दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। नाजरीन आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज पर। मरहूम शाहीन की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग जहां वो अपनी माँ से कह रही है कि उनका दम घुटता है ससुराल में और वो अब उनके अम्मी के घर पर रहना चाह रही है। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। खैरियत माँ? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? मैं देख माँ बर्तन धोई और वो कल लो बाजू वाले चुना मारे थी दीवार लोगों को पूरा मई जाहद मिलके अंगन धोया। चुना भी मारे इधर? हाँ वैक मारे चुना गिरा। हाँ जी वो तो तू बिछाए थे वो लोग बिछाए तो नहीं गिरा माँ। और अम्मी खा ली है दोपहर का खाना? हाँ माँ खाई जरा शाम में दवा लेती। कहीं को क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं हुआ जरा गल्ला कल फ्रिज का था पानी? नहीं घड़े का था। नहीं जी बाद में पिए तो बॉटल में का पी थी मैं ठंडा। हाँ फ्रिज में आसमा रख लिए थे सर। हाँ गल्ला खर खर हुआ शाम में जाके दवा लेती हूँ। खोल रहा ना गोश्त की दुकान का ने? नहीं है हमारे सास मान के भाभी के अम्मी की तबीयत खराब है तो पूछने गए गए। अच्छे है माँ सब जने? हाँ अच्छे है सब जने। घूम हो रहा अम्मी में तो सिर में। कल क्या तो भी बोल रहे थे अम्मी हमारे सास को मान को? कुछ भी नहीं बोले। बोले शाम में क्या बोले? क्या की गोलियाँ वो ये बोलते हैं बोले शाम में? हाँ नहीं बोले कुछ भी। बोलो जी। अरे नहीं बोले माँ कुछ भी। कब छोड़ते बोले माँ? क्या है कि अभी नहीं बोले तो माँ को नहीं बोले कब छोड़ते बोल के? हाँ सुसे से पूछ के छोड़ती हूँ बोले। वो कब छोड़ते थी मैं कुछ पूछना बोलते डर हो रहा क्या बोलते कि बोल के? हाँ नहीं कल छोड़ते होंगे। कल छोड़ते होंगे? हाँ छोड़ते होंगे। कई बोले तो मैं कल पूछना था एक चार दिन के वास्ते छोड़ती हूँ बोले थे तुम्हारी सास को। तो बोला नहीं था तुम बोले ना थे? हाँ नहीं जी ससुर से पूछ के बोलती हूँ बोले थे भाई से पूछ के छोड़ती हूँ चार दिन को बोल के बोले चार दिन के वास्ते। मेरे को पूछ रहे थे तुम जाते क्या बोल के मैं कुछ भी नहीं बोली। ते को पूछे? हाँ अब तुम भी जाए तो जा रहे हैं क्या बोल के बोले तो कुछ भी नहीं बोली मैं। तो छोड़ते होंगे माँ कल छोड़ते होंगे? भैया आए थे अभी। हाँ क्या बोले? कुछ भी नहीं बोला कब छोड़ते कि अम्मी बोले तो मैं बोली कल उनकी सास बोल रहे थे चार दिन के वास्ते छोड़ती हूँ चाय इनको बोल के। तो चार दिन के वास्ते छोड़ती हूँ बोल रहे थे। तो छोड़ते होंगे माँ कब छोड़ते कि आज फोन करने लगाती हूँ अब्बा आए बात। अब्बा आए बात पूछने लगा कब छोड़ते बोल के। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ बोलो तुम। घूम बना हो रहा सुबह में भी उठी पानी नहीं सो गई नाजमा पका लिया अब नाजमा भी चल जा रहे नाजमा रहते ना फिर भी कर ले रहे थे। करना जी काम कर लेते थे ना। क्या काम कर लेते रहे ना मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसा समझ में नहीं आ रहा वो नहीं बोलना जी गलत समझते। क्या आता आते समझ में आता किसको भी नहीं आता दो एक घर में से जाके वो घर में थे बस। तो भी मैं कुछ भी समझ में भी नहीं घूम पाना अलग ही छोड़ा मैं तो क्या हो गया कि क्या नहीं थी? बात नहीं और खामोश खामोश रह रहे तुम वो ये बोल रहे और वो बात करने का रह गया खाली। कल भी देखे ना मैं कैसी थी खामोश देखे ना तुम। नहीं बात कर अच्छी थी कल है नाजिमा है ला दहला मैं मिला के दी अम्मी से बात करती हूँ बल्कि बोली। मैं करी थी फोन कब करे थे? अब वो मैं सास के फोन से करी थी। तो नहीं उठाए? नहीं उठाए नहीं वो क्या थी बोल रही थी बिजी बता रहा था। हाँ
अस्मा के पास है उनका फोन, अस्मा उनके हस्बैंड से फोन पे लग रहे हैं उन्हें। हाँ वो करते थे ना, नाजिम से फोन पे जल्दी उठाते। और पकना सामने, हाँ पकाना नहीं बोल के गए सास के आगे, नहीं बोले खिचड़ी खट्टा बनाए थे सुबह में, टमाटर की चटनी बनाया नाजिमा वो खाए, दोपहर में भी सादा खाना बनाए थे वो खाए, अब सास ने खा के गए हमारे। कैसे माँ उनकी भाभी की अम्मी की तबीयत खराब है तो पूछने गए थे। अच्छा मैं को रख लो ना अम्मी अब आई तो, चार दिन रख लेके भिजाते फिर भिजा देते। हाँ अब पूरे को रख ले नहीं सकते तुम ना। हाँ दो तरफ से फंसी मैं शादी हुए तो, पहले अच्छा थी घर में, अच्छा रहती थी रोज,